सो गाइज गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो दोस्तों आज का व्लॉग होने वाला है घर पर ही आज, और कुछ आज का व्लॉग कुछ अलग ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हमारे घर पे एक मेहमान आए हुए हैं जिसका नाम है लेनोवो। ऐसा लेनोवो को तो आप जानते ही होंगे, ये कंपनी है लेनोवो की, और ये लेनोवो कंपनी की तरफ से मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हैं। कुछ नहीं, बस एक मेहमान आए हैं और ये मेरे लिए बहुत ही वर्कफुल मेहमान है। चलिए ज्यादा देर ना करते हुए दिखाते हैं आपको वो मेहमान। अब वैसे भी थंबनेल देख के तो आपको पता लग ही चुका होगा कि हम किस मेहमान के बारे में बात करें। तो जी हाँ दोस्तों, लैपटॉप जो भी मैंने परचेस किया हूँ, लैपटॉप लेनोवो लैपटॉप है। तो आपको उस लैपटॉप का पूरा स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं, हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा और सारे डिटेल्स आपको लैपटॉप के बारे में मिलेगा, कितनी प्राइस थी, कहाँ से लिया, क्या सब आपको लैपटॉप मतलब डिटेल्स मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। हेलो दोस्तों, आगे हमारे मेहमान साहब, तो चलिए चलते हैं। ये रहे देखिए, ये रहे हमारे मेहमान साहब। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं आपको कि इसके अंदर कैसा कलर है लैपटॉप का, और कैसा, और कीबोर्ड माउस भी आपको दिखाएंगे। बट ये इस कंपनी का नहीं है, ये है एचपी कंपनी का कीबोर्ड एवं माउस। चलिए ऑन करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं इसकी और दिखाते हैं आपको इसके अंदर कैसा लैपटॉप और किस क्वालिटी का है। तो चलिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा, हम दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्तों कितनी पैकिंग के साथ इस लैपटॉप को बनाया गया, ये रहा पैकिंग। चलिए इसको निकालते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने लैपटॉप देख ही लिया है, कमेंट करके बता दो ये लैपटॉप आपको कितना अच्छा लगा। और दोस्तों इस लैपटॉप की प्राइस की बात करें तो इस लैपटॉप मुझे 56,000 का पड़ा है, और इस लैपटॉप को मैंने अंसल प्लाजा मॉल से लिया है। अगर आपको अंसल प्लाजा की वीडियो देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन चले जाएगा, मैं वहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को एंड करते हैं। और दोस्तों ये लैपटॉप एक और बात बता दूं कि लैपटॉप इतना महंगा इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये कोर आईटेल 5 है। देखिए आप यहाँ पे दिखेगा कोर i5 लिखा हुआ है, क्योंकि ये इस वजह से पड़ा है। राइजन 5 भी आता है बट वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, और इसमें आप गेमिंग वेमिंग हर चीज कर सकते हैं। तो मैंने ये लैपटॉप ओनली एडिटिंग और कुछ कोर्स करने के लिए लिया है। चलिए चलते हैं, अब वीडियो को एंड करते हैं। और वीडियो बताइए, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो एंड करिए।